विधानसभा चुनावों में प्रदेश के हर वर्ग को बहुत सी उम्मीदें हैं। सबसे ज्यादा युवा आने वाली सरकार और विधायक से उम्मीद कर रहे हैं कि जो भी सरकार प्रदेश में बनेगी वो युवाओं की बेरोजगारी की लंबी कतार को खत्म करेगी। उन्होंने ये उम्मीद की है कि विधानसभा चुनावों में नई सरकार में नए रक्त का संचार होगा जो युवा के माथे पर पड़ रही चिंता की लकीरों को खत्म कर देगी। हमीरपुर में युवाओं का कहना है कि राजनीतिक दल उन्हीं के दम पर सरकारें बनाते हैं लेकिन उनको हर बार नजरअंदाज किया जाता है। इस मौके पर युवाओं ने कहा कि प्रदेश में सरकारें आती हैं और युवाओं से बेरोजगारी खत्म करने और अच्छी शिक्षा स्तर देने के वायदे किए जाते हैं लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया जाता। इसीलिए वह चाहते हैं कि इस बार उनके साथ राजनीतिक दल जो वादे करें उसे पूरा करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इसीलिए वह इस बार उम्मीदों और वायदों के झुंझुने से काम नहीं चलाना चाहते। वहीं हमीरपुर में युवतियों ने बताया कि आने वाली सरकार को लड़कियों की सुरक्षा की ओर ध्यान देना चाहिए। जो कोट खाई में हादसा हुआ वैसा नहीं होना चाहिए। महिलाओं ने बताया कि महंगाई पर काबू किया जाना चाहिए ताकि सबके घरों में चूल्हा जल सके। सरकार आए या ना आए, पर सर मुद्दा ये है कि करप्शन हमारी कंट्री में इतना है कि डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल तक करप्शन ही करप्शन होता है। करप्शन एक तरह से ऐसा है कि जैक एंड चेक वाला सिस्टम हो गया है कि अगर आप देखो, अगर छोटे छोटे बच्चों को अगर स्कूल में एडमिशन लेनी है तब भी करप्शन है, अगर आपको जॉब लेनी है तब भी करप्शन है। सर अगर आप जॉब लेने जा रहे हो, आप आपने टेस्ट क्लियर किया है उसके बाद भी आपको पॉलिटिशियन के तलवे चाटने पड़ते हैं, इतना करप्शन है हमारी कंट्री में। और सर हम चाहते हैं कि ये जो अगली जो पार्टी आए वो ऐसी हो कि करप्शन ना हो, बस हमें करप्शन फ्री पार्टी चाहिए। बस कि अब यंग जनरेशन को देना चाहिए टाइम नेता बनने का, क्योंकि सर अब ये है कि पुराना टाइम चला गया है और पुराने पॉलिटिशियन अब नहीं होने चाहिए, अपने नेता नई जनरेशन नए यंग बॉयज को देना चाहिए मौका। थैंक यू। आप पूछ रहे हो मेरे से कि कैसी सरकार होनी चाहिए। अभी लेटेस्ट आपको पता है कि जो गुड़िया रेप कांड हुआ यहाँ शिमला में, तो वहाँ लास्ट में ये बोल दिया जाता है गर्ल्स को कि जो गर्ल्स मतलब ये सारी गलती हुई तो गर्ल्स के ऊपर ब्लेम कर दिया जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ उनकी शॉर्ट ड्रेसेस के ऊपर। हम ये बोलते हैं कि ये सारा रेप जो हो रहा है गर्ल्स के उन्हीं ड्रेसेस के ऊपर हो रहा है। मतलब गर्ल्स अगर शॉर्ट ड्रेस वियर कर दैट डजंट मीन कि दैट शी इन्वाइट्स यू, ये उसका मतलब नहीं है। बट हाँ, गर्ल्स से भी मैं ये अनुरोध करती हूँ कि उनको वैसी ड्रेसेस पहननी चाहिए जो उनकी सोसाइटी और कम्फर्ट जोन के अकॉर्डिंग हो। बट हाँ, मेरा गवर्नमेंट से ये अनुरोध रहेगा कि मैं ऐसी सरकार चाहूंगी कि जो भी मतलब लॉ बनते हैं इस रेप के अकॉर्डिंग या सब गलत हो जाता है तो सबको मतलब बराबर सजा मिलनी चाहिए। मतलब जो बड़े बड़े हाई सोसाइटी या प्रोफाइल्स के बच्चे हैं वो हमेशा बच जाते हैं और जो छोटे वाले उनको सजा मिल जाती है, जो कल्प्रिट है वो सामने नहीं आ पाते। लेकिन क्यों नहीं आ पाते, जस्ट बिकॉज ऑफ इन नेताओं की वजह से। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसी सरकार बने जो लॉ बनेंगे और जो सजा मिलेगी वो सबको इक्वालिटी दे। मेरा आज का मुद्दा है कि महिलाओं की सेफ्टी के लिए और महंगाई के लिए जो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, घर में चूल्हा चौका चलाने के लिए भी लोगों के पास खाने के भी लाले पड़े हुए हैं। तो मेरा यही मुद्दा है कि सरकार इसकी तरफ विशेष ध्यान दे और महिलाओं और लड़कियों की ज्यादातर सेफ्टी के लिए ज्यादा ध्यान दिया जाए। एंड मेरा आज का टॉपिक है कि औरतों की सेफ्टी, जो कि अभी हमने सुना दिल्ली कांड हुआ, शिमला कांड हुआ। दिल्ली कांड में ये हुआ कि वहाँ पे बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे हुए। जब हमने शिमला की न्यूज सुनी तो बोल रहे लोग बहुत कम इकट्ठे हुए। हमारा टॉपिक ये नहीं था कि लोग कम इकट्ठा होंगे या ज्यादा कम इकट्ठा होंगे, हमारा टॉपिक था जस्टिस, कि जस्टिस मिलेगा या नहीं मिलेगा, जो कि हमें नहीं मिला। स्टिल वी आर वर्किंग फॉर जस्टिस। लड़कियां कब तक बोलेंगे बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी बचाओ। हमें नहीं बचाना किसी बेटी को, और बेटियों को खुद ही बचना पड़ेगा। हेडपंप वगैरह तो बहुत हो गया, अब चाहिए कि हमें कैमराज लगे हों हर जगह, और ये हो कि हर डिस्ट्रिक्ट में कैमराज लगे होंगे तो लड़कियों की सेफ्टी ज्यादा होगी और लड़कियों को अपनी सेफ्टी खुद ही करनी पड़ेगी जहां तक हो सके। अब हम चाहते हैं जो भी हमारा आने वाला नेता हो वो हमारे इन मुद्दों के ऊपर काम करे और वो डिजर्विंग हो, जो भी इस पोजीशन पे आए वो डिजर्विंग हो। जो आने वाली जो सरकार है, पहले तो मैं अपने जो उम्मीदवार हैं उनको देखूं, उनके काम को देखूं कि उन्होंने पहले अपने जो पास्ट में क्या क्या काम किए थे, और प्रेजेंट को देख के मैं अपना जो फ्यूचर का वोट है उसे डालूंगा, और जो भी मतलब मेरा वोट होगा एक अच्छे नेता के लिए जाएगा। और जो आजकल की समस्या है, जो बेरोजगारी है, सड़कों की समस्या, पानी की समस्या, कानून व्यवस्था, उस पर उसको देख के मैं अपना नेता चुनूंगा।
जीएसटी पे, जीएसटी मुद्दा है, जीएसटी का जो हमारे व्यापारी हैं आज बहुत बहुत ये कर रहे हैं जो कि हाँ हमें बहुत समस्याएं आ रही हैं जीएसटी की वजह से। तो जो आने वाली सरकार है वो जीएसटी पे थोड़ी अपनी अपनी नज़रें रखे और उस पे होने वाले थोड़े जो सुधार हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दें और नए नए जो जो जिससे व्यापारी जो समस्या व्यापारी की समस्या उससे दूर सॉल्व हो सके, उनकी समस्या सॉल्व हो सके। कानून व्यवस्था के बारे में बात की जाए तो कानून व्यवस्था में भी सुधार होने चाहिए। हाँ, जो शिमला में जैसे जो गुड़िया वाला जो कांड हुआ, ऐसे से मतलब जो कांड है उससे हिमाचल की जो जनता है वो उस पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। इससे जो घर की लड़कियां हैं वो सेफ नहीं हैं, तो कानून व्यवस्था पे ज़्यादा ध्यान दें।